Hello, hello everyone. Welcome back to our channel. Hi guys, welcome back to the channel. Dosto, Fianchi subah uth ke kya kar raha hai pata hai isne? Kya kar raha hai? Apne liye iPhone order kiya hai bhai sahab ne. Naya iPhone dosto. Finally main upgrade karunga, mere iPhone piece se toota hua hai, theek hai? Aur wo bhi repair karke main mamma ko gift karunga. Ab main ek naya iPhone lunga jiski GB hogi thodi si zyada. Abhi main 128 GB use karta tha, bada GB wala lunga taki main games khel saku, vlogs record kar saku. Kabhi kabhi vlogging mein badi problem aati hai, रिकॉर्ड करते करते मेमोरी फुल हो जाती है. दोस्तों वो वाला आईफोन कीरत ने मुझे गिफ्ट, वो भी तूने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और ये वाला आईफोन भी कीरत ही मुझे गिफ्ट कर रही है. ये भी मेरे बर्थडे पे गिफ्ट कर रही है. आल्सो हिज बर्थडे गिफ्ट. दोस्तों इसको बिग बर्थडे प्रेजेंट अभी ही मिल गया है. बर्थडे तो इसका दूर है अभी, बर्थडे एक महीने बाद आएगा दोस्तों, बट क्योंकि अभी लॉन्च हो गया तो मैं एक महीना वेट नहीं करूंगा. यस, थैंकफुली हम वैंकूवर में नहीं थे, हम टोरंटो में थे. टोरंटो की टाइमिंग के हिसाब से 8 बजे लॉन्च हो रहा था, वैंकूवर 3 घंटे पीछे चलता है, तो वैंकूवर में सुबह 5 बजे उठना पड़ता. हम सुबह सुबह ओट्स का ब्रेकफास्ट करेंगे गाइस, तो बनाना और एप्पल डाल दें. और कल रात को ओट्स हमने भिगो के रखे थे, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे. और मैं ये लेकर आई थी पंचवटी से खाखरा. ओह माय गॉड, इतना यम्मी है ये, क्रिस्पी बिल्कुल. तो कहते हैं खाखरा हेल्दी होता है, बट इसको कोई बता दो दिन में 3 खाखरे हेल्दी नहीं होते. एक आता है खा सकते हो तुम. यार दिस इज नॉन फ्राइड, रेडी टू ईट, 100% व्हीट, मेथी, डबल मेथी खाखरा, इतना यम्मी है यार ये. ओली कहाँ गया? वो ना ओली, ओली हेलो कुड्डू, हेलो कुड्डू, हेलो कुड्डू, मेरा छोटा बेबी, मेरा शोना बेबी. गाइज मेरी और इसकी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई है अब. फियांचू कह रहा था, कहता मैं नोटिस कर रहा हूँ तू पेट्स के अराउंड ना बहुत ही ज्यादा खुश रहती है. मैं वैसे तो मैंने कहा अच्छा तूने ये नोटिस किया, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, कोई भी पेट हो, डॉग हो, कैट हो, आई जस्ट लव पेट्स. आज आप फर्स्ट टाइम मेरे को और कीरत को गो ट्रेन में ट्रैवल करता हुआ देखोगे. गो ट्रेन बेसिकली टोरंटो की, ग्रेटर टोरंटो एरिया की इंटरसिटी ट्रेन होती है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है. सुनने में तो आया कि बड़ी इजी है, कन्वीनियंट है. हमें जो रेट मिला है वो वैंकूवर के हिसाब से हमें एक्सपेंसिव लगा. वैंकूवर में जहाँ पे आप $6 में कर लेते हो, यहाँ पे $11-12 का एक साइड का है. जैसे हमारे स्काई ट्रेन का पास इज लाइक $11-10 फॉर एंटायर डे, फुल डे का. और यहाँ पे ग्रुप पास मिलता है $30 का, विच इज $15 पर पर्सन, तो कुछ कुछ महंगा है. सेकेंडली स्पेशल शाउट आउट करना चाहेंगे हम अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर को, जिसका नाम है अपूर्वा. जब से हम यहाँ पे आए थे और मैंने सोचा था कि जब भी टोरंटो जाएंगे ना यार, बेसबॉल गेम तो जरूर देखनी, क्योंकि टोरंटो साइड में ही मतलब कि ये बेसबॉल गेम होती है, हमारे वैंकूवर साइड नहीं होती, बिकॉज वी डोंट हैव दैट टीम. ब्लू जेज यांकीज, अगर आप देखते हो गए कि यांकीज की कुकू टोपी बहुत पहनता है, और ब्लू जेज इज कनेडियन टीम, तो उसकी मतलब कि गेम है, होती है यहाँ पे टोरंटो में. So, हमें अपूर्वा ने 2 टिकट्स दी है देखने के लिए बेसबॉल गेम. एंड यांकीज की जो टीम होती है वो तो न्यूयॉर्क से है, बट यहाँ पे होती है टोरंटो ब्लू जेज, एंड आई एम वेरी हैप्पी. ब्लू जेज अच्छा भी खेल रही है इस बारी. सो हम लोग देखेंगे कल रात को बैठ के, मैंने और कीरत ने. अच्छा बाय द वे आपको एक और बात बताते हैं, जब फर्स्ट टाइम हम बेसबॉल देखने गए थे तभी हमें बहुत मजा आया था, जब कीरत के ऑफिस से टिकट्स मिली थी. ठीक है, बट वो एक नॉर्मल लेवल का मैच था, ये तो प्रॉपर बिग लेवल का रॉजर्स सेंटर में होने वाला है टोरंटो में. सो सुपर एक्साइटेड, थैंक यू सो मच अपूर्वा फॉर द टिकट्स. यस थैंक यू अपूर्वा. दोस्तों ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इस चेहरे ने अभी आर पार कर दिया अपना पंजा, इधर भी आ चुके, ये देखो बेचारे के भाई. 1 2 एक मिनट, ये तीसरा अंदर दिख नहीं रहा होगा, बालों में छुपा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे चौथा में कहीं दर्द हो रहा है मेरे. शिट, और दिस इज द फर्स्ट टाइम तेरे को ऐसे ऐसे स्क्रैच किए? नहीं मैं दूर हो जाता हूँ, बट क्या होता है मैं प्यार कर रहा हूँ, खुद ही करवा रहा हूँ इसे. हाँ, तेरे को पता 2-3 दिन इसे पंगे नहीं लेने होते. हाँ, ज्यादा नहीं कर, दूर हो गए इसे, फिर ही आ रहा कि नहीं तू कर भाई. हाँ, मैंने करा, मैं हट गया, जैसे ही मैं हटा इसे पटा. क्यों तू हटा क्यों? आई थिंक ये इसलिए हुआ, इसने कहा कि तू हटा क्यों. गूगला ये देख. अबे वैम्पायर डायरीज, ये क्या किया तूने? कोई करता है ऐसे? हाथ देख कैसे आगे रखा उसने स्टाइल से. उस दिन मेरे को भी ऐसे ही मारा था इसने, अच्छा भला प्यार करवा रहा था, ऐसे अंदर खोबे हैं इसने. हाँ यार वो नहीं खोबता, तो उसके नेल्स ही ऐसे है कि खुब जाते हैं बेचारे के. टॉक्सिक गर्लफ्रेंड. अरे ऐसा क्यों किया तूने? हाँ? ऐसा क्यों किया गंदा? दोस्तों नीचे जा रहा हूँ, आयुष के ना जो टेनेंट्स हैं उनकी वॉशिंग मशीन ही चल रही है, वो देखने जाना मुझे. ये तो काम करना ही पड़ता है जब आपके पास टेनेंट्स हो.
हाय गाइस, वॉशिंग मशीन चलाने की कोशिश कर रहे हैं बट लॉक आ रहे हैं यहाँ पे। गाइस बस ये एक्स्ट्रा रिंस का बटन दबाना था, ऑनलाइन यूट्यूब से चेक किया, नाउ इट इज वर्किंग, ऑल फाइन, 59 मिनट्स, यू आर गुड टू गो। उसे पूछा तुम्हें वॉशिंग मशीन ठीक करने आती है, मैंने कहा आती है, कहते किया कभी काम, कहते नहीं, कहते ठीक कैसे करोगे, मैं कहा जैसे लाइफ चल रही है, कहते कैसे, मैं कहा यूट्यूब से सीखा, लॉक लगा था, वो लॉक हटाया, सब कुछ किया, उसकी चलने लगी, कहते यू आर अ हैंडीमैन, मैं कहा नो यूट्यूब। समझा के कि गार्बेज और क्या बोलते हैं रिसाइकल और ऑर्गेनिक अलग अलग जाएगा, अलग अलग दिन में। तो बेसिकली क्या होता है, पिछले मंडे को सिर्फ ऑर्गेनिक और रिसाइकल किया था, इस मंडे को गार्बेज रिसाइकल और ऑर्गेनिक तीनों जाएगा, उसे पीछे में गार्बेज डाल दिया था। मेरे को देखे तो बड़ी खुश होती हो, देखो देखिए किसने यूट्यूब। दोस्तों घर से हम तैयार होके निकल गए हैं और मैं सच बता रहा हूँ, आज हम अपनी गाड़ी को खड़ी करने वाले गो ट्रेन स्टेशन पे, ताकि हम ट्रेन के मजे ले सके, एक बार एक्सपीरियंस तो करें अगर टोरंटो तक आए हैं यहाँ पे। यस, सो गो ट्रेन आपको जैसे सुबह बताया था इंटरसिटी ट्रांजिट होती है, सो वहाँ जाएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, फ्री पार्किंग मिलेगी, एंड वहाँ से गो ट्रेन से टोरंटो है आई थिंक 1 आवर, फ्यांशु गाड़ी पे लगेंगे 58 मिनट्स, ट्रेन पे लगेंगे 1 घंटा 8 मिनट, सो टाइमिंग बुरी नहीं है, एंड फिर हम अपनी मस्ती करते हुए आएंगे, देखेंगे। बट हमें हर हालत में लास्ट गो ट्रेन जो टोरंटो से वापस घर की तरफ जाती है वो जाती है 12 बजे की, तो वो जरूर लेनी है। सुशी के बाद आजकल का कीरा का फेवरेट फूड खाखरा। दोस्तों ये फिशी ने जो गलत टर्न लिया है, अरे मुझे लगा कि ये दोनों ही ट्रेन इधर को लेफ्ट को जा रही है, वो एरो भी ऐसी बना हुआ है, बट ये वाले इन्होंने इतना सा वो कर दिया, वो भी ऐसी रहे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है यार, ठीक है। दोस्तों हम गो ट्रेन स्टेशन पे आ गए हैं एंड वी आर फाइंडिंग पार्किंग स्पॉट। हमें आयुष ने बताया था कि जहाँ पे ब्लैंक पार्किंग स्पॉट है ना वहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं, रिजर्व वाली जगह पे नहीं, सो वो ढूंढ रहे हैं कहीं मिल जाए हमें। वो दोनों वो, अच्छा। नहीं नहीं वो दोनों था उधर लगाया हुआ, ये ओ हाँ यहाँ लगा दे, मिल गई अभी गई है आई थिंक। क्या बात है फ्यांशी, गुड जॉब। अभी मेरा फ्यांची पूरा ऐसे हो गया कि फटाफट लग जाए अब। हाँ हाँ ये फ्री है, चलो। ये वाले बंदे ने अजीब सी लगाई है, चल कोई नहीं, बाय बाय चासू, लेट्स गो। दोस्तों को बता दो ये कौन सा गो ट्रेन स्टेशन है। विटबी। यस वी आर लुकिंग फॉर टिकट्स। ये रही दोस्तों गो ट्रेन, दिस इज जस्ट लाइक स्काई ट्रेन, दिस 1 एंड 2, वी जस्ट गोना गो टू प्लेटफॉर्म 1। This train is not stopping. 25 मिनट बाद ट्रेन हमारी। दोस्तों सारे ब्लू जेस की ना जर्सी वगैरह पहन के आए हैं, ठीक है, मेरे को ऐसे फोमो हो रहा है कि how will I support? We can go and buy from there. हाँ हम ले लेंगे। दोस्तों हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं, आधे घंटे बाद आएगी अब ट्रेन। अब 15 मिनट बाद। और बहुत दूर पे भाई। हाँ, glad we have sheds here. कुछ शेड नहीं है, वहाँ से आ रहा है सब। हमने यॉर्क वाला एग्जिट लेना है, ओके, बे वाला नहीं। सुन इतने सारे ब्लू कपड़ों में हमने उनको फॉलो करना, सही बात है। दोस्तों एक बहुत स्वीट लेडी थे, वो हमें बता रहे कि कहाँ से जाना है, कहाँ से, हम उधर खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम इधर आओ हमारे साथ, तो उनको फॉलो करना चाहता हूँ। सारे लोग जा रहे हैं ब्लू जेस की गेम खेलने, इतना उदास हूँ कि हम ब्लू कपड़े पहन के गए। अरे फिर क्या हो गया, हम वहाँ जाके लेंगे। दोस्तों कीरत कह रही है कि कभी कभार ना किस ऑन द कैम हो जाते हो, तो सात वाली को मत कर दियो। कहीं मौके का फायदा उठा ले, मैं इधर उधर वॉशरूम में हूँ। दोस्तों बहुत ज्यादा ही ज्ञान देते हैं ये लोग कि ऐसे मत करना वैसे मत करना, यहाँ पे लगता है काफी हादसे हो जाते हैं। बैग पैक भी अपना हाथ में पकड़ो ताकि तुम बीच में लोगों के बीच में बंप ना करो, इतना ज्ञान दे रहे हैं, लोग काफी पंगे हो जाते हैं। दोस्तों हमारी गो ट्रेन आ गई है, नाइस। चलो आपको पूरा टूर देती हूँ मैं, ये देखो, अगर किसी के पास साइकिल है
तो वो यहाँ पे रुक सकता है। गाइस वॉशरूम भी है गो ट्रेन के अंदर। नाइस, लग रहा है यूरोप आ गए। ऊपर क्या है? ऊपर भी कंपार्टमेंट है, सारे लोग ऊपर बैठे हैं ब्रांची ब्लू जे वाले। चलो फिर ऊपर चलते हैं। नीचे तो कंपार्टमेंट है ही है, ऊपर भी है। मुझे तो दोस्तों जब भी मैं ट्रांजिट पे ट्रैवल करती हूँ ना तेरे साथ, मुझे बड़ा ही मजा आता है। यूरोप फील्स आ जाती है। ठीक है अपना मजा, बट ट्रांजिट का अपना मजा है। कभी कभी जब, नॉट एवरी डे। मैं वैसे एवरी डे भी बहुत एंजॉय करती थी ट्रांजिट। आई लव ट्रैवलिंग इन ट्रांजिट। क्या है तेरे को? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, छोटी बच्ची हो क्या? गाइस अच्छा बना ये व्यू आ रहा था, ठीक है। कहती हमें ना वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ का व्यू बेटर होगा। फिर कहती मैं निकिता को कॉल करके पूछती हूँ। बनी जहाँ पे हो वहीं का मजा ले लो। मजा तो मैं ले रहा हूँ, बहुत मुझे खाकर की भूख लगी अभी। बहुत ज्यादा मजा अलग ही आ रहा है। जैसे मुझे ना पता कौन सी राइड याद आ गई थी, जब हमने फ्लेक्स ट्रेन ली थी पेरिस से ली थी एम्स्टरडम के लिए। नहीं हम रोम गए थे, रोम से निकले थे वापस अपने एयरपोर्ट पे। पता नहीं हमने कोई बस ली थी और ऐसी सी ब्लू से कलर की थी और मैं तेरे को ऑरेंज खिला रही थी। ओ हाँ। यार चलो बड़ा मजा आ रहा है। अरे यार व्यू आ गया, व्यू। वाओ दिस इज लेक ओंटारियो। ये लेक है? हाँ दिस इज लेक, बहुत बड़ी लेक है। कितना प्रिटी है निकिता, यू आर राइट, हम सही जगह पे बैठे बाबू, व्यू देखने के लिए। अगर हम आज ना लेते ट्रेन तो ये व्यू भी ना देख पाते और आपको भी ना पता चलता कि वो ट्रेन से कैसा व्यू दिखता है। मेल भी नहीं खत्म होती, मेल भी नहीं खत्म होती। थैंक गॉड घर भी फीमेल्स नहीं है, ईमेल्स नहीं खत्म होती। हम टोरंटो की तरफ आ गए हैं और मेरा पति मेरे से बड़ा परेशान है क्योंकि ये मेरे को बोलता रहता है कि बहुत ज्यादा शूट करती है, तो बहुत ज्यादा शूट करती है। यहाँ से चलते हैं, जितने भी ब्लू जेस वाली जर्सी वाले हैं ना उनको फॉलो करते करते जा रहे हैं। तो मैंने फिशी को बोला ओ सीएन टावर तो देख ले। आप भी देख लो दोस्तों, सीएन टावर हमारे व्लॉग में पहली बार आ रहा है सीएन टावर। कहता ओ गर्दन अकड़ गई। दोस्तों ये है सीएन टावर, भाई कितना बड़ा है कुकड़ी। अच्छा मैं अभी सरगुना में बता रही है कि मैं पहले आपको टेक्स्ट करने वाली थी, फिर मुझे था कि आप कहाँ देखोगे और ऐसी पूर्वा ने कहा था मैं उसका टेक्स्ट पढ़ लिया था, तो पढ़ते हैं। बट हाय निशिका, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो था, और वैंकूवर आ जाओ। हाय पूर्णिमा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। आपकी बहन से मिल गया है आप? हम सबकी बहनों से मिल रहे हैं अभी यहाँ पे। गाइस जस्ट लुक एट दिस, इस लड़की की वजह से हम देख पा रहे हैं इस लड़की, थैंक यू सो मच। दिखा रही है पूरा। ओके देखो किसी लोकल के साथ होने का फायदा तो उठाएंगे ही उठाएंगे। गाइस अपूर्वा बता रही है कि इतनी अच्छी सीट्स दिलाई हैं आपको कि बॉल आई तो पकड़ लेना। कुक को पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको बताया जा रहा है कि कहाँ से कैप लेनी है क्या करना है, सारा सपोर्ट और लव देने के लिए थैंक यू। माय मर्च लेने हाय, ये जानती भी है मैं ऐसी करवा दिया। अच्छा इंडिया से व्लॉग देखती हूं दोस्तों, आज बियर पी जाएगी। दोस्तों ये तो नेक्स्ट लेवल फील है यार, मजा ही बहुत आ रहा है, मतलब सच बता रहा हूँ। अभी तो मैच शुरू नहीं हुआ तो बॉल आई कैच मैं ही करूंगा। ओ माय गॉड आई लव द सीट्स। अपूर्वा थैंक यू सो मच यार। नेशनल एंथम के लिए सारे खड़े हुए हैं।
एक साइड राइट टोरंटो की ब्लू जेस और दूसरी साइड है बॉस्टन की टीम। मेरे दो आउट हो गए हैं बॉस्टन के। एक तो भाई पहली बॉल पे आउट हो गया था। गाइस एकदम से ना सारे ना मूव कर रहे थे, ये भी करने लगी, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं क्या हुआ कहते जो क्राउड करे वो करते रहे, कहते क्राउड के साथ रहो। ऊपर से कैमरा जाएगा देखना, ये कैमरा है। क्या रुक गया हो रहा, वहां पे जा रहे हैं। सो 2 इनिंग्स हो गई है, स्कोर 0-0 ही चल रहा अभी। स्नाइडर बच गया, लग अच्छा है। इससे अच्छी सीट्स नहीं हो सकती थी। दोस्तों गलत सीट से बैठ गए, बॉलर के बॉल ले आ रही है यहाँ पे, सर पे ना लगे मेरे भाई, फट जाती है भारी बॉल आ रही है। यहाँ पे ना गेम्स वगैरह आते हैं जो आपसे ना कुछ पजल्स पूछते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे माइक पे सबके सामने। तो कहती है अगर तुझे नहीं आता तो क्या करेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कैस कर, कहती नो इंग्लिश बोल दी हो बेवकूफ। इतनी बड़ी ऑडियंस है यहाँ पे, 50,000 बंदा बैठा है। मैं उस वक्त बोलूंगा सब्सक्राइब टू फियांचो इन कीरा। बट नेक्स्ट टाइम करेंगे। सैड हो गया बिल्कुल ऐसे। भाई बच गई होगी ना उसमें। मैं कहता हूँ बस वो प्लेयर अपना रन पूरा कर ले, कुछ भी हो जाए, उसी मेरे को शक्ल पे मेरे को खुशी देखनी है बस। ऑलरेडी नेक्स्ट फेमस प्लेयर आया है स्प्रिंगर, शायद देखो तबाही कर दे बाबू। क्लैप योर हैंड्स। गुड। भाई मैं 2 मिनट कुकू से रोमांस कर रहा था, मैं देखो इतनी पास बॉल आई है। तो इतनी लंबी लाइनअप थी वॉशरूम की, मुझे याद आ गए अपने दिन जब मैं वॉशरूम की लाइनअप भी कंट्रोल करती होती थी कि नहीं भाई इस साइड से नहीं एंटर करना, दूसरी साइड से एंटर करना है, ये भी काम होता था सिक्योरिटी में। मेरा गुगला मुझे मिल गया, चीयर्स। बहुत टाइम पहली बार बियर चढ़ गई है। हाउ आर यू गाइस, हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर। तो ये है सीजन सीट्स टिकट्स, थैंक यू सो मच। दोस्तों हम वैसे अपनी नॉर्मल टिकट्स भी बहुत खुश थे, दारू सुनते सुनते आ गए। दोस्तों हम वहाँ कहीं बैठे थे, बहुत अच्छी सीट थी, बट अब ये अचानक से, वो तो हमारे लविंग सब्सक्राइबर्स हैं तो हमें यहाँ तक ले आए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वर्दा। दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा है, मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ। देखो हम तो आज दारू पीने के मूड से आए, फुल पावर, आज गाड़ी गुड़ी नहीं है, काम की छुट्टी हुई हुई है, काम किया हुआ है, आज कर रहे हैं मस्ती। तो फ्राइडे नाइट और क्या चाहिए। दोस्तों खाना भी आ गया है, कीनुआ विद फलाफल एंड विद पीटा एंड फिशी का है चिकन टैकोस। मच फन गोइंग ऑन दोस्तों। तो हम घूमने जा रहे हैं और आई थिंक गेम खत्म हो गई है। मैं टूर मिल रहा है सारा, दोस्तों यहाँ से स्टेडियम ऐसा दिखता है सारा, एंड सिर्फ $20 यार, नाइस यार, फर्स्ट कम फर्स्ट है ऑब्वियसली। हमारे सब्सक्राइबर इतने प्यारे, कितने ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे आप, ये ब्लॉग बन रहा है, वेरी गुड जॉब। कुछ बोल रहे हैं, सिचुएशन में थी एंड आई कैन रिलेट टू देम सो मच, मजे भी आते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आया, ब्लू जेस जीत गई। क्या रश है यहाँ पर दोस्तों, ऐसे ही लग रहा है जैसे पान मिल रहे हो। ये बाबू रिक्शा टेस्ला की किश्तों से महंगा। ये है डाउनटाउन का रश, सारे मैच मुझे देख के आए हैं। ओ सिलेंडर कितना सेक्सी लग रहा है, उसकी चोटी देखो, आइसक्रीम आइसक्रीम। चलो इट्स द वाइफ्स पेइंग, आई वांट टू मेक श्योर शी गेट्स हर मनी। थैंक यू। ओ लुक्स यू, थैंक यू, डिलीशियस। ए देखो दोस्तों लपा लपा चीटे हो रहा है। जन्नत शुक्र कर हम गाड़ी में नहीं आए। बाय द वे मेरा नी बहुत पेन हो रहा है।
अच्छा ले ही लेना चाहिए, अकेले अकेले नहीं खा सकता ऐसे। मुझे तो खानी नहीं थी जब मैंने पूछा था, वहाँ ऑर्डर कर ले। वहाँ नहीं कर पाई मैं, उसके चुटकुलों पे हंस रही थी कि वाइफ पे कर रही है, वाइफ पे कर रही। ज्ञान जी हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम पहुँचे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पे करण जौहर और शहनाज गिल और मेरी फेवरेट कुशा कपिला पीछे खड़े। कर लूं मैं क्या अपना, तू ही बता। गाइस जैस्मिन को जरूर फॉलो करना है एंड सपोर्ट करना है, और अगर आप डाउनटाउन टोरंटो में हो तो आपको जरूर आना है, तो या तो हमारा मीटअप अटेंड कर सकते हो, या तो जाके परांठे वाली गली में इसके गाने सुन सकते हो, बहुत प्यारे गाने गाता है। दोस्तों इसी को कहते हैं लिविंग द ड्रीम। हाय आपको देखो भाग के आगे उधर से क्या है, कैसे हकी कर ले, मेरा हाथ में बहुत ज्यादा सामान है, मैं पकड़ लेता हूँ आपका सामान। थैंक यू भाई। अच्छा क्या नाम है? सचिन। सचिन सचिन आए सचिन, मुझे इसका इंट्रोड्यूस करवा था आपसे, और हमको अच्छा लगा था, अब आओगे अब मैच देखेंगे। हेलो क्या नाम है? हाय क्या नाम है? संकल। संकल आई लव योर शूज। हाय व्हाट्स योर नेम? थैंक यू सो मच। नेहा से हाय। हम तो ना अनिल कपूर को देखने आओगे इधर। अनिल कपूर चलेंगे? चलेंगे सब चलेंगे, पास से दिख रहे थे एकदम। अच्छा एकदम अनिल कपूर भूमि मंडल सब आए थे। ओहो अच्छा भाई थे तुम लोग बहुत प्यारे हुए दोस्तों। बहुत सारी मूवीज भी लगी हुई थी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, आज लगी हुई थी थैंक यू फॉर कमिंग, और उसका प्रीमियर था, बट हमारे यार और भी बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स थी, सो वी कुडंट मेक टू एनी मूवी टू बी ऑनेस्ट। और कल भी हमारा मीटअप है, सो नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे स्पेशली टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के। कह रहे नेक्स्ट टाइम तब आएंगे जब इनवाइट करेंगे। इसी बात पे शेयर कर दो ताकि ये इनवाइट ही भेजे, और आप लोगों को एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स दिखाएं। यस यहाँ पे सारा प्रीमियर होता है सारी मूवीज का, तो यहाँ पे टिफ का रेड कार्पेट था, जनता का प्यार जी है, बहुत ही जल्दी यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। कोई एक आधा सब्सक्राइबर अगर निकल जाए यहाँ पे तो वही होंगे बाबू। तो दोस्तों वॉक करते करते हम आए फिक्शन नाइट क्लब के बाहर, इन सबके पास टिकट्स ली हुई है और फिर भी ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं, और कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी लंबी लाइन में नहीं खड़े होना तो $20 पर पर्सन के आप टिकट ले लो, उसके लिए अलग छोटी लाइन है, बट लाइन तो उसके लिए भी है। अरे घूमी घूमी कराने के लिए थैंक यू। तो फैंसी मेरे लिए पानी लेकर आया सामने से। पहुंच गए हैं यूनियन स्टेशन, यहाँ से लेंगे गो ट्रेन एंड वापस जाएंगे घर। ये रहा इनका फेमस यूनियन स्टेशन। कुरकुरे भी मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे यूनियन स्टेशन पे। अलाउ कर दिया, व्हाई नॉट। तो हमारी ट्रेन आ गई है एंड फीशी पता नहीं क्या कर रहा है, कह रहा है इस ट्रेन पे नहीं चढ़ना। इतनी इतने प्यारे और पागल सब्सक्राइबर है रहा, तू सच्ची तू मार खाएगी। गाइस हम ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, पीछे आई हुई ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पे, टिकट हमने ली हुई है और हमें चढ़ने नहीं दिया जा रहा। बाय बाय ट्रेन, बाय बाय ट्रेन। हमने इतनी भाग भागी ये पकड़ी है। स्टेशन पे आ गई आउट ऑफ नोवेयर। हेलो कैसी है? फाइनली आई विश हमारे पे पानी पुनी होता, हम इसको पानी पिलाते हैं। गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं फिल्मी तरीके से, नहीं वो उसको पकड़ते हैं शाहरुख खान ने उसको पकड़ लिया पता है। मैं उसको बोला गाड़ी छोड़ो, मुझे पता भी नहीं वापस कहाँ जाना है, उसको लोकेशन चेक करके जाएंगे वापस। नीता मैम और दीपक सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। आपकी डॉटर बहुत ही प्यारी है, पीछे जाके डरा दिया था इससे। मैं इतना ज्यादा थैंकफुल हूँ ना अपने सारे सब्सक्राइबर्स का कि आप लोग इतना प्यार करते हो यार हमें, अनबिलीवेबल। ये लोग ना जैसे व्लॉग में वैसे ही एकदम सिंपल एंड स्वीट, बहुत सही है। वर्दा भाग कर आ रही, मुझे ऐसे फिल्मी सीन लग रहा, और अभी ट्रेन आई है हम चढ़े ना चढ़े, और मुझे पता नहीं क्योंकि मैं बात नहीं कर रही थी, ये यहाँ पे लगा हुआ है कि फोन करना, बट आई थिंक हमारी इंस्टाग्राम पे बात नहीं हुआ, इसमें भी नहीं रहा होगा। हाँ तो मेरे को नहीं गया, तो इसको ये लगा हुआ फोन, मैंने कहा फियांशु ट्रेन आ गई है क्या सीन है,
कहता रुक रुक अभी मत चढ़। उसके बाद अगली ट्रेन आधे घंटे बाद थी। मैं कहा ये भी मिस करवाएगी लड़की। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी किस्मत में ही नहीं ट्रेन के मजे लेना। जेन्युइनली बहुत 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 ज्यादा खुश उससे मिल के। ठीक है आ जाओ सारे आ जाओ। मैं इससे भी मिलके बहुत खुश हूँ और मैं इससे मिलके तो काफी खुश हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग अस। ठीक है और मतलब बहुत ही प्यारे हो यार तुम। ये बिलीव ही नहीं कर सकता कोई इंसान हमें स्टेशन पे बस चढ़ने से पहले रोकेगा। व्लॉग को हम आज यहीं बंद करते हैं। सब्सक्राइब टू देयर चैनल, डू सब्सक्राइब टू देयर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। प्लीज 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 बहुत सारा सब्सक्राइब करो और इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। Now the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh.